हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संजना सेठ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल चिकन रिजाला का रेसिपी शेयर करूंगी। नथिंग फैंसी, होम स्टाइल, कैलकटा स्टाइल चिकन रिजाला भी बोल सकते हैं। इसमें बहुत ही कम मसाले हैं एंड चिकन को जस्ट मैं धोकर थोड़ा सा नमक और हल्दी लगा के मैरिनेट करके छोड़ दी हूँ। यहाँ पर है 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 से 4 ग्रीन चिलीज है एंड 2 बिग साइज अनियन है। इसको मैंने जस्ट रफली चॉप कर लिया है क्योंकि ये ये बाद में पेस्ट ही बनेगा। यहाँ पे है 1 छोटी कटोरी फुल ऑफ कर्ड। यहाँ पे कुछ सूखी हुई मिर्च है छौंक के लिए, 2 से 3 छोटी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी और 2 से 3 लौंग। यहाँ पे मसाले में सिर्फ एक ही चीज़ है, ये है जीरा पाउडर जो है 1 फुल टीस्पून। यहाँ पे है वाटरमेलन सीड, चाल मगज भी इसे कहते हैं, ये 1 टेबल स्पून चाल ये है। एंड यहाँ पे कुछ काजू है, 15-20 काजू है और कुछ किशमिश भी है जिसको मैंने वाटर में सोक करके रखा है। और यहाँ पे है 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 टीस्पून ऑफ खसखस जिसको मैंने पाउडर कर लिया है। तो चलिए अभी आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे एक पैन मैं बिठा दी हूँ गर्म होने के लिए। इसमें मैं ऐड करूँगी अभी अ लिटिल बिट ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड बाकी आप घी भी ऐड कर सकते हैं या रिफाइन ऑयल। मैं ऐड करूंगी रिफाइन ऑयल। देख सकते हैं ऑयल काफी गर्म भी हो गया है। अभी इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये चॉप किया हुआ अनियन एंड इसे फ्राई करूंगी अंटिल इट इज अ लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट। ज्यादा एकदम रेड करके फ्राई नहीं करना है। फ्राई करने से ना अनियन को इट जस्ट गिव्स अ डिफरेंट टेक्सचर ऑल टुगेदर टू द ग्रेवी। कोई भी ग्रेवी बनाते वक्त अगर प्याज को आप थोड़ा सा टॉस करके ऑयल में अंटिल इट इज ट्रांसपेरेंट अगर बनाते हैं, अपने ग्रेवी को पूरा अपलिफ्ट कर देता है। ये देखिए जस्ट अ लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट सा हुआ है। अभी इसको हम रिमूव कर लेंगे। इसी सेम पैन में विदाउट एडिंग एनी ऑयल ये जो कैशूज है इसको जस्ट मैं इसी रिमेनिंग ऑयल में लिटिल बिट टॉस करूंगी सो दैट इसका जो एक कच्चा काजू का वो होता है ना वो चला जाए एंड एक नटी फ्लेवर आए। जस्ट अ लिटिल बिट, देखिए जितना ऑयल था उसी में इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे। अभी इसे सेम पैन में मैं और थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी। लास्ट स्टेप पे आप घी अगर नहीं देना चाहते इस स्टेप में घी दे सकते हैं एज पर योर लाइकिंग। ये ऑयल जैसे ही, कढ़ाई बहुत गर्म है, ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है मैं इसमें ये चिकन के जो पीस है इसको डाल दूंगी। ज्यादा नहीं, जस्ट हल्के हल्के ही टॉस करना है, फ्लेम को मीडियम टू हाई में रख के, क्योंकि चिकन है बहुत फास्ट कुक हो जाएगा। इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ बिना ढके मीडियम फ्लेम में। ये देखिए चिकन सारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैं अभी इसको रिमूव कर लूँगी एंड नॉट टू वरी अगर चिकन फ्राई करते हुए कढ़ाई थोड़ा सा ऐसा हो ही जाता है। इसमें मैं डाल दूँगी अभी सारे सूखे मसाले छौंक के लिए। एंड
तेज पत्ता। ये थोड़े से तेल में हो जाए, थोड़ा सा स्मेल आ जाएगा जैसे ही, वैसे ही मैं वो जो प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कैशू एंड वाटरमेलन सीड, सारा का एक पेस्ट मैं बना ली हूँ। एंड अलग से जो पॉपी सीड्स पेस्टेड था वो भी मैं डाल दूँगी। जो प्याज पहले हम लोग फ्राई करके रखे वो उसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया, वाटरमेलन सीड, कैशू एंड एवरीथिंग मैं अभी इसमें ऐड कर दूँगी। इस पॉइंट पे हम लोग गैस को एकदम स्लो करके इसको कुक करेंगे अंटिल ये तेल बाहर आ जाए। ये देखिए, इसको मैं 2-3 मिनट के लिए छोड़ दी थी, अच्छा खासा तेल भी निकल आया है एंड ये थोड़ा थोड़ा नीचे अगेन सटने लगा है। इस पॉइंट पे मैं ऐड कर दूंगी कर्ड जिसको मैंने फेट लिया है अगेन। एंड इसको फिर से कुक करूंगी फॉर अनदर 5 मिनट्स। इस बार थोड़ा ढक दूंगी सो दैट इसका जो टेक्सचर है या मसाला है सारे अच्छे से कुक हो जाए। सारे को अच्छे से इकट्ठा करके मैं ढक दूंगी। इसमें आप आलू भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। ये देखिए, हाँ अभी इसमें भी उबाल आ गया है एंड इस पॉइंट पे मैं ऐड कर दूंगी जीरा पाउडर सो दैट ये भी कुक हो जाए इसी ग्रेवी में। एंड थोड़ा सा पानी भी ऐड करूंगी, थोड़ा सा, सो दैट ये जीरा पाउडर को कुक होने के लिए एनफ टेक्सचर रहे एंड मसाले नीचे ना सट जाए। ये मत 2-3 मिनट बाद ही इसको खोल के हम लोग चला लेंगे, अदरवाइज इसमें नट्स है, कैशू नट है, पॉपी सीड्स है तो वो नीचे सटने का बहुत चांसेस रहता है, तो इसको खोल के हम लोग चला लेंगे। इसको फिर से मैं ढक दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम में। ऑल्सो इस पॉइंट पे मैं ये किशमिश भी ऐड कर दूंगी जो भिगो के रखी थी। इसको मैं ढक दी थी अगेन 5 मिनट्स के लिए। देखिए काफी तेल निकल आया है एंड ग्रेवी इज ऑलमोस्ट रेडी। इसमें स्वाद अनुसार नमक और चीनी, थोड़ा सा चीनी एकदम कम बिकॉज ये काजू एंड किशमिश ये सब ही मीठा ही है। पॉइंट पे फ्लेम को मैं थोड़ा हाई कर दूंगी एंड ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी, वही जो दही से दही जिसमें फेटी थी ना उसको ही जस्ट ये करके पानी रखी थी एंड अपने ग्रेवी का डिजायर्ड कंसिस्टेंसी लेके आऊंगी। ये मोस्टली सूपी कंसिस्टेंसी ही होता है, अ लिटिल बिट सूपी। तो इस पॉइंट पे मैं ऐड कर लूंगी अपने सारे चिकन विद अ फ्यू पोटैटो एज सेड। मेरे घर पे कोई भी कुकिंग विदाउट पोटैटो नहीं होता है, स्पेशली नॉन वेज। तो इसमें मैं इस पॉइंट पे ऐड कर दूंगी सारे चिकन एंड आलू जो भी था वो। एंड इसमें अभी कुक करूंगी मैं। देखिए सारे चिकन इसमें समा गया है एंड इसको थोड़ा सा फ्लेम को लो करके मैं इसमें कुक करूंगी फॉर अनदर 5 मिनट। इसको मैंने उबालने के लिए रख दी थी 5 मिनट्स के लिए, जस्ट चेक कर लेंगे क्योंकि चिकन को फ्राई किया हुआ था बहुत अच्छे से, सो चिकन ऑलरेडी कुक्ड है, आलू भी
बहुत अच्छे से फ्राइड है, वो भी कुक्ड है। तो जस्ट अनदर 5 मिनट के लिए मैं इसे बॉयल होने हुए रख दूंगी एंड देन सर्व करेंगे गर्मा गर्म।